लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 4 महीने में 50 टाइम तुम मेरा प्ले देख चुकी हो, तुम्हारा मन नहीं भरता? मैं प्ले नहीं, तुम्हें देखने आती। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कल से नहीं आऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी रे, आना तो पड़ेगा। अच्छा वैसे मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे प्ले में तुम्हारे साथ एक्ट करूँ, मजा आएगा ना? अरे तू इंस्पिरेशन है रे, तुझे एक्टिंग करने की क्या जरूरत है रे? हर बात का जवाब है ना तुम्हारे पास? तेरा ही जवाब नहीं है। जी सर, ऑर्डर प्लीज। अरे ये रेस्टोरेंट है, अदालत नहीं। या दिल मिला करते है, मुजरिम नहीं। ऑर्डर नहीं, फरियाद लेके जा और कॉफी लेके। सर हॉट? अरे जाग लगी हो, घी नहीं डालते। कॉफी ले गया ठंडी। ओके सर, थैंक यू। तेरे लिए मैं ये गिफ्ट लाया हूँ। दिखाओ। अच्छी पसंद है, नॉट बैड। वो किसके लिए है? वो अपनी बीबी के लिए लाया। अच्छा, मेरे लिए भी और उसके लिए भी गिफ्ट? हाँ, लॉयलिटी तो बनती है। ताकि गिल्ट कम हो। गिल्ट हो ही नहीं किसी तरह का। अच्छा। हाँ, वो समाज सेवा करते करते पति सेवा कब भूल गई उसे पता ही नहीं चला। गगन, I think you're getting naughty. अरे you never give me chance, hottie. आजा। चलो दिया chance. Thank you so much, darling. ये ले। इसे पहन ले please. क्या है? ये आर है पार है, आजकल के पतियों के नए विचार है, क्या तुम्हें स्वीकार है? गगन तुम पागल हो गए हो? हाँ। इसे पहनने के लिए है क्या? देखने के लिए तो है। Once in a week it is must. What about Gagan Kapoor's last? मेरा मूड नहीं है। तेरा मूड नहीं है? तो नया चक्कर चलाओ। चला। हैं? देख ले, तू उड़ते हुए तोते के मिर्ची डाल रही है। वैसे तेरा पति तुझे नाइटी लाके नहीं देता? साड़ियाँ लाता है, जो मैं नहीं पहनती। मिला कहाँ तुझे ये आइटम? मुझे ना शादी करने का बचपन से बहुत शौक था, तो कॉलेज में इसका रिश्ता आया। मेरे मम्मी पापा ने कहा थानेदार है, खुश रहेगी, कर ले शादी। मैंने भी सोचा दबंग का सलमान खान होगा, अच्छा होगा। फिर? सलमान खान तो दूर की बात है, मेरे जो बड़े चाचू है ना वो भी इससे छोटे दिखते हैं। बिंदु जी, ये रहा आपका सरप्राइज। तो ये है आपका सरप्राइज? आप मुझे लोगों की कब्रें दिखाने लेकर आए हैं? कब्रें नहीं बिंदु जी, मकबरे। और ये कोई ऐसे वैसे लोगों के मकबरे नहीं है, ये राजा बादशाहों के मकबरे हैं। ये फिरोज शाह का मकबरा है, उसे यहाँ दफनाया गया था। पता है उसने ना अपने मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवा दिया था। यार ये अच्छा नहीं लगा मुझे। क्यों? उम्र में तो मैं भी तुझसे बड़ा ही हूँ ना। गगन तुम्हारी बात अलग है। क्यों, मेरे क्या सिंह निकले हुए? मजाक मत करो, मुझे ना तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ ना मैं बहुत एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। कब तक प्ले देखती रहोगी? कभी वो स्क्रीन प्ले भी पूरा होगा कि नहीं? अच्छा। सर आपका बिल। बहन के टक्के तो मुझे बाहर मिल। सर बात तो सुन लो। नहीं नहीं यार, हद है यार, कुछ भी नहीं सही पड़ा। राजीव भाई क्या लाऊं? जहर खिला दो भाई थोड़ा। भाई क्यों मजाक कर रहे हो, बताओ ना क्या लाऊं? भाई चाउमीन मिलता है ना, चाउमीन लेके आओगे? एक प्लेट चाउमीन ला दो। अच्छा, और कुछ ठंडा गरम? नहीं भाई, सादा पानी ला दो। भाई सादा पानी तो आज से आपके लिए बंद। क्यों? क्योंकि आज से मैं आपको पिलाऊंगा पवित्र का पानी, आप ही की कंपनी का। अरे कल ही लगवाया तो मीर भाई से। बंटी हाँ, मुझे एक बात बता, कितने रुपए प्लेट चाउमीन है तेरी? भाई 40 रुपए की, पर हुआ क्या? और मैं कितनी प्लेट खा लेता महीने में? भाई 20 एक तो खा जाते होगे, पर हुआ क्या? तो साल की कितनी बन गई भाई? भाई 240, पर हुआ क्या? अगर 40 रुपए की तेरी प्लेट है, 240 मैं साल में खाता हूँ, तो कितना धंधा दिया मैंने तेरे को? भाई 9600, पर हुआ क्या? बैंड के दीने, जब 9600 का धंधा मैंने तुझे दिया है, तो 8000 का धंधा तू मुझे नहीं दे सकता था, मुझसे नहीं लगवा सकता था प्यूरीफायर? भाई ठंडे हो जाओ, ठंडा पिलाता हूँ। ठंडा भाग यार। भाई भाई देखो, आप गुस्सा मत हो, नाराज मत हो। यार नाराज ना, नहीं नाराज हूँ मैं, उतरवा दूंगा, मैं उतरवा दूंगा। उतार यार इसको यार। ओ भाई रहने दे। अच्छा रुक जा भाई, वो तो जबरदस्ती समीर ने आधे दाम पर खराब होगा ना, तो मुझसे चेंज कराइयो। मैं आप ही से कराऊंगा, लेकिन समीर ने जबरदस्ती लगा दिया ना आधे दाम पर, क्या करता बताओ मैं?
अच्छा चाउमीन मेरी तरफ से आज कॉम्प्लीमेंट्री प्लीज भाई। हाँ और चाउमीन बना लो भाई के लिए। हेलो नमस्कार जी। सेल्समैन दिखते हो, क्या नजर है आपकी। मनचंदा को जानते हो? नहीं भाई साहब, अभी तक उनका नंबर नहीं आया। जल्दी से मिल लो, फोन में कॉन्फिडेंस भर देते हैं। मनचंदा एक ऐसा हाथ है जो मुट्ठी बंद करके उंगली से जहां इशारा कर दे, समझ लेना सफलता वहीं खड़ी है। जय माता दी, जय पिता दी। दोस्तों, ना मैं सौतन से छुटकारा दिलाता हूँ, ना पुराने प्यार को वापस लाता हूँ, ना ही वशीकरण का स्पेशलिस्ट हूँ, ना ही जादू टोना तंतर मंतर का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लेकिन वो जो चीज है ना, जिसको कहते हैं पैसा, क्या कहते हैं? पैसा। ऐ तेरी, जोर से बोलोगे तो ज्यादा आएगा। पैसा। फूल। सर अब इसमें जिस बंदे का कॉन्फिडेंस हिलाओ वो क्या करेगा? चल तेरी जान, कॉन्फिडेंस जिसका हिल जाता है उसको मनचंदा मिल जाता है। किस किस का हिल जाता है? प्यार में धोखा खाए इंसान का हिल जाता है, रोज रोज बॉस की अल्टीमेटम और गाली खाए इंसान का हिल जाता है, या आपके व्यापार को कोई दोस्त लेके चला जाए तो हिल जाता है। ऐसे में इंसान की शकल मुंह बिना तले भटूरे की तरह हो जाता है। सर अब इसमें भटूरे कहाँ से आ गए? अरे अपने आजू बाजू देखो, खुद को देखो, गले सड़े गलेले सब भटूरे ही तो बैठे हैं सामने। देखो देखो, जैसे धोती पहन के कोई भी गांधी नहीं बन जाता है, चिकनी चमेली पर डांस करने वाली कोई कैथरीना नहीं बन जाती है, वैसे ही टाई सूट बूट फॉर्मल पहन के इंग्लिश बोलने वाला सेल्समैन नहीं बन सकता है। ओए लाल बाल के पर्पल शर्ट की रहो, इधर रेड हेयर कम हेयर। मैं दूर से ही अनसक्सेसफुल आंखों को पहचान लेता। तुझे तो कुछ खासी जरूरत है पापे, तू ऐसा कर एकांत में मुझसे मिल ले, ठीक है? समझ रहा कि नहीं समझ रहा? क्या लिखा है? स्माइल। बस स्माइल पहनना बहुत जरूरी है, भले ही टाई पहनो मत पहनो, स्माइल पहनना जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ऑन द स्पॉट अप्लाई करना शुरू कर दो तुम। अबे हंस रहा है कि रो रहा है? सर मुंह ही ऐसा। चेंज कर दो मुंह ना, स्माइल। नाम से के खूबसूरत भूत होल्ड ठीक कर भंगेड़ी मच्छर, बस एकदम होल्ड कर, होल्ड कर एकदम ऐसे ही भोला भाला। जादू कर दो सब पर, जादू कर दो। कैसे सर, मेरा तो एक भी प्योरीफायर नहीं बिका। क्या लिखा है? शिप। रिलेशनशिप भूल गए पागल? ना समझ को समझदार बताओ, मूर्ख को बताओ ज्ञानी, अव्वल नंबर का ज्ञानी। आओ दिखते ही कॉम्प्लीमेंट देना चालू कर। क्या शर्ट, क्या जूते, क्या बैग, क्या बाल, चाचा नाना ताया सब कुछ। लड़की है तो बोलो हीरी, मतलब रिश्ता कायम हुआ नहीं कि प्रोडक्ट बिका। सर मेरे से ना रिश्ते ही नहीं मिलते। अच्छा पूनम ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। प्रेम रोगी हो? फोटो वोटो रखे हो कि भेज दिए? यार एकदम ब्रांडेड है, अच्छी दिखती है। लास्ट टाइम क्या मांगा मैंने? तू क्यों मांगे भे? उसने क्या मांगा? जारा के सैंडल। तुम जारा से बड़े जारा बन जाओ फिर देखना, लड़की तुम्हारी सैंडल तुम्हारा और जारा भी तुम्हारा। मतलब मैं सोनम को पा सकता हूँ? सोनम? अरे आलिया पादुकोणे इवन अनुष्का। मतलब सही कह किसी ने कि अगर कोई उंगली पकड़े तो लप के उसका कंधा पकड़ लो। करेक्ट। नहीं है ये, स्मार्ट बनो यार, ओवर स्मार्ट मत बनो। अति जो है ना गति को ब्रेक लगा देती है। बटर उतने ही लगाओ जितना खा पाओ, ऐसा ना कि बटर लगाए और फिसल जाओ। समझ रहे हो कि नहीं? बस निकालो कितने पैसे। सर आप ना एकदम भगवान जैसे लगते हो। ना ना भगवान ना, मैं रिटायर्ड सेल्समैन ताऊ मेरे सेल्समैन। सर वो आपने कहा था क्लाइंट टिप भी देंगे, वो एक्चुअली आखिरी 5,000 थे ना तो आपको दे दिए। ये रखो, पहला गगन कपूर, इनका है प्यूरीफायर नहीं, बॉटल से ही लास्ट टाइम पानी पिलाया। इनका एक भाई होता था कपूर, चला गया। कहाँ चला गया? चलते ही चला गया। अब जब भी तू इनको फोन करेगा या इनके घर जाएगा क्या नाम बताएगा? कपूर। करा पर सर
मैं लाइफ का पहला प्योरीफायर बेचने जा रहा हूँ और झूठ से शुरुआत आपने तो बड़ा धर्म संकट में डाल दिया। हेलो धर्मात्मा, तूने महाभारत का 67वां एपिसोड देखा है? नहीं। अर्जुन क्या कहते हैं कृष्ण? ये सब चाचा मामा ताऊ के लड़के हैं, कैसे मारूं? कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म किए जाओ, कर्म को धर्म से अलग रखो, ये तेरा कर्म क्षेत्र, तुझे कर्म करना होगा। सर आज के बाद ना मैं किसी भी ग्राहक को ना प्योरीफायर नहीं बेचूंगा। क्यों? सर मैं ना अपने चाचा ताया मामा फूफा भाभी इन सबको प्योरीफायर बेचूंगा। सर मैं ना मतलब पूरी दुनिया में प्योरीफायर बेचूंगा, पूरी दुनिया में मेरे प्योरीफायर लगेंगे, मैं झंडे गाड़ दूंगा, पूरी दुनिया में मेरे झंडे लगेंगे, बोलो झंडे वाले बाबा की जय। हेलो सेल्समैन है तू, फौजी मत बन, झंडे गाड़ने लग गया। अरे सर आपको नहीं पता आपने मेरे साथ क्या करा है, आपने मेरे को कितनी एनर्जी दी है, मेरे शरीर के अंदर ना इस वक्त एनर्जी का ना इसे बौछार आ रही है। देखो मेरे हाथ के बाल सारे खड़े हो गए, मेरे पैर के बाल सारे खड़े हो गए, मेरी छाती बस 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 बातों में नंगा होना अच्छी बात नहीं है। फोन लगा बेला को गप्पू, फोन लगा बेला को, जल्दी जल्दी फोन लगा बेला को, निकल ले चाय। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। नींबू डाला जी? शहद डाला जी? हाँ डाला। दालचीनी? दाल और चीनी दोनों डाला। गुड मॉर्निंग मैम, सॉरी दीदी, आप बेला जी बोल रहे हैं ना? हाँ बेला बोल रही हूँ, आप कौन? हाँ जी मैं ना राजीव बोल रहा हूँ पवित्र पानी प्योरीफायर से। मेरे को ना आपका रेफरेंस मनचंदा जी ने दिया था। आपने घर में प्योरीफायर लगवाना है ना? प्योरीफायर तो लगवाना है, वो क्या है ना किचन का पानी बड़ा खा रहा था। अरे दीदी पूरी दुनिया का पानी खा रहा हो गया आजकल तो। तो फिर पूरी दुनिया के लिए प्योरीफायर बनाओ। प्योरीफायर तो रेडी है दीदी, बस फिटिंग करनी बाकी है। तुम बातें बड़ी अच्छी करते हो, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा ना वैसे राजीव नाम है दीदी, लेकिन घर पे ना सारे प्यार से गप्पू गप्पू कह के बुलाते हैं। दीदी? हेलो दीदी आप हो? कुछ नहीं, मेरा भी भाई गप्पू था। उन्होंने फ्राइडे तक का मुझे अल्टीमेटम दिया है, मुझे प्योरीफायर बेचना ही बेचना, लगाना ही लगाना है। तो दीदी अगर मैंने नहीं लगाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कल तो मेरी एनजीओ की मीटिंग है और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है, और परसों मैं शिमला जा रही हूँ। ओहो तो दीदी अब कैसे करें? अच्छा सुनो तुम ना परसों फ्राइडे के दिन आ जाओ, मैं नहीं रहूंगी पर मेरे हस्बैंड होंगे, तुम कहना मैंने भेजा है और आके प्योरीफायर लगा दो। परफेक्ट दीदी सही है, आप जीजू को कह देना गप्पू आके प्योरीफायर लगा देगा, मैं जाकर फिटिंग वगैरह सब अच्छे से कर दूंगा दीदी। और आप जैसे ही वापस आओगे ना मुझे आपसे मिलना ही मिलना है दीदी, और इस बार ना राखी आपसे मैंने बंधवानी है दीदी पक्का से। ओके राजीव। अरे दीदी मैं ना दुनिया के लिए राजीव हूँ, आप मुझे ना गप्पू बुलाया करो, और आपको पता है आपका ये भाई ना पूरी दुनिया से लड़ लेगा, टेंशन ना लो। और ना दीदी आप शिमला जा रहे हो प्लीज वहाँ बहुत ठंड होती है, कंबल वगैरह ले लेना, सर्दी का ना थोड़ा ख्याल रखना। यू टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट जर्नी दीदी, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है गप्पू, थैंक यू, बाय दीदी बाय। हेलो किथे कहाँ जा रही हो? अरे वो ना कल हमारे एनजीओ का मेडिकल कैंप है शिमला में, सुबह ही निकलना। तू बताती भी नहीं है। आजकल हम एक दूसरे को वक्त ही कहाँ दे पाते हैं कुछ कहने सुनने का। सो जाओ, गुड नाइट। उफ़ो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। मतलब क्या कलर है, मतलब पता है मेरा फेवरेट कलर है, मेरा तो छोड़ो मेरे सिस्टर का फेवरेट कलर भी ब्लू ही है, और आप भी तो मेरे सिस्टर के जैसे ही हो। भाई 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 परसों का रेंट याद है ना देना है? सन्नी मेरा ना दिमाग ना खराब कर, आज फ्राइडे है और अगर आज मेरा प्योरीफायर नहीं बिका ना मेरे को नौकरी से निकाल देंगे और सोनम भी के हाथ से। सोनम गई? भाई बताया क्यों नहीं है? दारू शारू लाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, मजा आ जाएगा। तू पागल है क्या थोड़ा, तेरा दिमाग वगैरह ठीक है? वैसे भी तू सोनम को डिजर्व तो करता नहीं, क्या पटाखा लौंडिया लेकर घूमता था यार, तकलीफ हमको होती थी, किलस किलस के हाथ आई मीन दिल में दर्द हो जाता था। ए, सोनम तेरी कॉपी है। अरे ए,